महात्मा गांधी जयंती पर फोटो सेशन कराने का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी आर्मी के पदाधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा में खंडित नाक को ठीक करवाकर उन्हें नमन किया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दुर्ग शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर फोटो खिंचवाते नजर आए, किंतु विगत कई महीनों से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की नाक खंडित है उस पर किसी की नजर नहीं गई। सुबह से ही बापू की प्रतिमा और उनके विचारों के साथ सभी जवाबदेहियों ने सोशल मीडिया में जमकर फोटो शेयर की। शाम तक जब किसी का भी ध्यान इस प्रतिमा की तरफ नहीं गया जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए नरेंद्र मोदी आर्मी के पदाधिकारियों ने उन लोगों पर सिर्फ फोटो सेशन किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही संगठन ने पुनः जवाबदेहियों का कार्य करते हुए बापू की प्रतिमा पर खंडित नाक को ठीक करवाकर नमन किया। इस अवसर पर मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष वरुण जोशी ने कहा कि किसी भी महान हस्तियों ने यह नहीं कहा कि हमारी प्रतिमा लगवाएं, किंतु हर शहर और गांव में देश के महान हस्तियों की प्रतिमाएं नजर आती है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को याद दिलाते रहें कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इस आज़ादी में अनगिनत शहीदों का लहू बहा है। ये दुर्भाग्य है कि दुर्ग शहर में प्रतिमाएं स्थापित तो की जाती है, वहीं जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि गणों को सिर्फ उनकी पुण्यतिथि और जयंती पर ही उनकी याद आती है ताकि वो फोटो सेशन की औपचारिकता निभा सकें और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। मीडिया के समक्ष लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कोई साफ सफाई नहीं थी। देखिए, दुर्ग का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो जिला प्रशासन है वो निद्रावस्था में है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती है और लोगों ने जो यहाँ के जवाबदेही है उन्होंने आके माल्यार्पण जरूर कर लिया है, लेकिन जो माल्यार्पण करने से पहले उनकी जो मूर्ति है उनके नाक पे खंडित अवस्था में थी उन्हें सुधारने की प्रयास नहीं किया है। सिर्फ फोटो सेशन चला है दिन भर और एक तरह से सोशल मीडिया में डाला गया कि हम गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हैं, जबकि अगर गांधी जी के विचारों को मानते हैं तो पहले गांधी जी के जो व्यवहार है, जो गांधी जी के सिद्धांत है, उनको मानना पड़ेगा। आज सभी जनप्रतिनिधियों ने आके यहाँ पे माल्यार्पण किया है और फोटो खिंचाई है जो सोशल मीडिया में शेयर की गई है, लेकिन उनकी जवाबदारी बनती थी कि पहले आसपास प्रतिमाओं के आसपास जो साफ सफाई वो करनी थी जो कहीं नहीं हुई है। माल्यार्पण करने से पहले उनके नाक जो जहाँ खंडित हो रखा था उस चीज़ को सुधारना था, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ माला अर्पण करके एक औपचारिकता निभाई है जिसे हमने दुरुस्त कर पुनः आज शाम को ये सफाई करने का काम किया है और माला अर्पण करके उनके जो खंडित मूर्ति थी उसको दुरुस्त किया है। पहले भी जानकारी है इनके चश्मा चोरी हो जाने की बात भी सामने आई थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो स्थानीय है वो गंभीर नहीं है, क्योंकि जितने भी महान हस्ती हैं देश के हुए हैं उनकी प्रतिमाएं रूप में नजर आती है, लेकिन कहीं भी उनकी प्रतिमाओं पर रखरखाव नजर नहीं आता है। यही कारण है कि एक महापुरुष भी बापू के चश्मा चोरी हो गया था जिसकी लिखित शिकायत हमने थाने में की थी और जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि देश के महान हस्तियों का जो प्रतिमाएं शहर में लगी है उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि निद्रावस्था में है, उन्हें किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि पर आकर माल्यार्पण करके अपना फोटो खिंचाना ही चाहते हैं और फोटो खिंचा कर वहाँ वही लूटते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।